हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश के नवरमाचार फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर यानी मध्य प्रदेश साप्ताहिक करंट अफेयर की, जिसमें हम चर्चा करेंगे 1 से 10 अक्टूबर 2020 के बीच जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुए उनके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं यानी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है। वीडियो में 40 से ज्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके हर एग्जाम में इंपोर्टेंट है। वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है, तो दोस्तों ये वीडियो गौर से देखें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। पहला क्वेश्चन है, हाथ दिखाकर पेमेंट करने की नई तकनीक किसने शुरू की है? तो यह है अमेजन। अमेजन के द्वारा हाथ दिखाकर पेमेंट करने की नई तकनीक शुरू की गई है। दोस्तों, आपको बता दें अमेजन ने इसका नाम अमेजन बन दिया है। बात करते हैं अमेजन कंपनी की, तो आपको बता दें यह एक शॉपिंग वेबसाइट है जिसके फाउंडर जेफ बेजोस थे। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी और हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। तो आपको इतना अमेजन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ सोसाइटी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द चेयरमैन ऑफ एफटीआईआई गवर्निंग। तो दोस्तों, इसका चेयरमैन बनाया गया है शेखर कपूर को। तो आपको याद रखना है एफटीआईआई का चेयरमैन बनाया गया है शेखर कपूर को। आपको बता दें शेखर कपूर एक जाने माने फिल्म निर्देशक हैं और इन्हें एलिजाबेथ सम्मान के लिए भी नामित किया गया था। बात करते हैं फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो आपको बता दें इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। जो हाल ही में डायरेक्टर हैं वह भूपेंद्र कंथोला हैं और जो हेडक्वार्टर वह पुणे में है। दोस्तों, एक और इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, हाल ही में परेश रावल को एनएसडीआई का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेल्सन टॉप 50 मार्केटेबल एथलीट रिपोर्ट में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो ये है मैसी। मैसी को नेल्सन टॉप 50 मार्केटेबल एथलीट रिपोर्ट में पहला स्थान दिया गया है। वहीं बात की जाए दूसरे स्थान पर है रोनाल्डो। भारत के विराट कोहली की बात की जाए तो ये फोर्थ स्थान पर है और इस लिस्ट में रोहित शर्मा भी हैं जो 8वें स्थान पर है। तो आपको याद रखना है नेल्सन 50 टॉप 50 मार्केटेबल एथलीट में रोनाल्डो और मैसी हैं। इसके अलावा भारत के विराट कोहली और रोहित शर्मा भी हैं। एक और इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें, सेरेना विलियम्स, मारिया शारापुवा और फ्लैड मेवेदर इस लिस्ट में नहीं है। तो ये आपको एक इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण हाल ही में पूरा हुआ है, ये किस झील पर बनाया गया है? तो दोस्तों, ये है टेहरी झील या टेहरी बांध पर इसे बनाया गया है, जो देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। दोस्तों, आइए इस ब्रिज के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बात करते हैं। तो इसकी लंबाई है 725 मीटर, इसकी चौड़ाई 7 मीटर है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और इस ब्रिज की कुल जो लागत है वह 270 करोड़ रुपए है। आपको बता दें इसमें दक्षिण कोरिया की कंपनी योशिन ने भी पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा जो इसकी क्षमता है वह एक बार में 18,000 टन को वाहन गुजर सकते हैं इस ब्रिज से। तो आपको याद रखना है यह टेहरी झील या टेहरी बांध पर बनाया गया है और यह देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीबीपी का महानिदेशक और एनएसजी का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, ये है एसएस देसवाल। एसएस देसवाल को आईटीबीपी का महानिदेशक और एनएसजी का महानिदेशक हाल ही में बनाया गया है। ये एके सह की जगह लेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं एसएस देसवाल की, तो ये 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इसके अलावा बात करें अगर आईटीबीपी की तो ये क्या होता है? तो आपको बता दें आईटीबीपी का फुल फॉर्म इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस होता है। इसका जो फॉर्मेशन या स्थापना की गई थी वह 24 अक्टूबर 1962 यानी 1962 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वह न्यू दिल्ली में है और जो हाल ही में डीजी बनाए गए हैं वह एसएस देसवाल ही है। तो आपको इतना आईटीबीपी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का ग्राहक जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? ये है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को आरबीआई का ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ये एक इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। दोस्तों, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ब्रांड एम्बेसडर का एक क्वेश्चन तो पक्का हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। बताइए आरबीआई की, तो आपको इसके बारे में बता दें, इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 यानी 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसके जो गवर्नर हैं वह शक्तिकांत दास हैं। तो आपको इतना आरबीआई के बारे में याद रखना है। और इसका जो लोगो है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये ट्री कौन सा है, तो ये पाम का ट्री है। आरबीआई के लोगो में पाम का ट्री है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या बाबरी मस्जिद ढांचा मामले में किसे दोषी बनाया गया था जिन्हें हाल ही में बरी किया गया है? तो दोस्तों इन सभी को, यानी लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सैन, इन चारों को, इनके अलावा अयोध्या बाबरी मस्जिद ढांचा जो मामला था उसमें दोषी बनाया गया था, लेकिन हाल ही में इन्हें बरी किया गया है। दोस्तों आइए बात करते हैं अयोध्या बाबरी मस्जिद ढांचा की। तो 6 दिसंबर 1992 में यह ढांचा गिराया गया था। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे नेताओं को दोषी बनाया गया था, परंतु अब हाल ही में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसने बताया है कि ये ढांचा नहीं गिराया गया था, ये लोग जो थे, ये जो उत्पादी थे उन्हें रोकने का काम कर रहे थे। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इन्हें बरी किसने किया है, यानी जो जज हैं उनने जो निर्णय दिया है वो कौन थे, तो इन जज का नाम है सुरेंद्र कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उड़ीसा के बालासोर से हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये है ब्रह्मोस मिसाइल। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का उड़ीसा के बालासोर से सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों यह ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, DRDO द्वारा और रशिया के द्वारा इसे बनाया गया है। यह लैंड से लैंड मार्क करने वाली मिसाइल है। दोस्तों बात आई है उड़ीसा की, तो आपको मैप में उड़ीसा के बारे में बताते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यह है उड़ीसा का मैप। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में की गई थी। राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के जो गवर्नर है गणेशी लाल हैं, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यसभा की 10 और लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं उड़ीसा में। तो आपको इतना उड़ीसा के बारे में याद रखना है। दोस्तों एक और फैक्ट आपको याद रखना है, हाल ही में WHO के द्वारा भी उड़ीसा की सराहना की गई है COVID-19 से लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभिलाष गीतकार और लेखक जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका कौन सा गाना है? तो दोस्तों इन्होंने इतनी शक्ति हमें देना दाता लिखा है, जिनका बेस्ट गीत है, और इनका हाल ही में, यानी अभिलाष का हाल ही में निधन हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत फेमस गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC T20 महिला रैंकिंग में किसे पहला स्थान दिया गया है? तो ये है बेथ मुनी। बेथ मुनी जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, इन्हें ICC महिला T20 रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया है। दोस्तों अगर बात करें स्मृति मंधाना की, ये भारत की प्लेयर है और इन्हें 7th स्थान दिया गया है ICC महिला T20 रैंकिंग में। वहीं गेंदबाजों में बात करें दीप्ति शर्मा की, तो इन्हें 6वां स्थान दिया गया है इस लिस्ट में। तो आपको याद रखना है, ICC की हाल ही में लिस्ट आई है जिसमें बेथ मुनी को पहला स्थान दिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। दोस्तों बात आई है ICC की, तो आपको इसके बारे में जरूर बता दें, ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद होता है। इसका जो आदर्श वाक्य है वह क्रिकेट फॉर गुड है। आपको इंग्लिश में याद रखना है, इसका आदर्श वाक्य है क्रिकेट फॉर गुड। इसका गठन 15 जून 1909 में ICC का गठन किया गया था। मुख्यालय दुबई UAE में है, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में है। कुल 104 सदस्य देश हैं ICC के। वहीं बात की जाए CEO कौन है, तो मनु साहनी जो एक भारतीय हैं, यह ICC के CEO हैं। तो आपको इतना ICC के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कहाँ बनाई गई है? तो दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग बनाई गई है, और दोस्तों इसका नाम दिया गया है अटल सुरंग, जो रोहतांग में बनाई गई है। चलिए दोस्तों इस सुरंग के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। यह जो सुरंग है वह 9.2 यानी 9.2 किलोमीटर लंबी है। इसे हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बनाया गया है। यह मनाली और लेह के बीच 46 किलोमीटर की दूरी कम करेगी, यानी मनाली और लेह के बीच इसे बनाया गया है। तो ये दोस्तों इंपोर्टेंट कुछ फैक्ट थे। इसमें मोबाइल भी यूज किया गया है, इसके अलावा बहुत सी इसमें सुविधाएं दी गई हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इसका नाम याद रखना है, मोस्ट IMP है, नाम है अटल सुरंग। बताइए हिमाचल प्रदेश की, तो मैप में आप देख पा रहे होंगे ये लोकेशन है इंडिया के मैप में हिमाचल प्रदेश की। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1971 में की गई थी। राजधानी शिमला है, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह जयराम ठाकुर हैं। राज्यसभा की 3 और लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। तो इतना आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल बी फर्स्ट वर्ल्ड एक्सपो इज मिडल ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ एशिया रीजन बी हेल्ड इन
2021 मिडिल ईस्ट अफ्रीका और साउथ एशिया क्षेत्र का पहला वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन 2021 में कहां किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आयोजन दुबई में किया जाएगा। यह आपको याद रखना है, मिडिल ईस्ट अफ्रीका और साउथ एशिया क्षेत्र का पहला वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन 2021 में दुबई में किया जाएगा। दोस्तों इसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक की जाएगी। 190 देश एक साथ आकर एक मंच पर अपने आइडिया शेयर करेंगे और ये आइडिया शेयर ये दुबई में करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बारे में और भी जानकारी आएगी आगे तो हम वीडियो में बताते जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में गांधी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है? तो दोस्तों ये है यूक्रेन। यूक्रेन में हाल ही में गांधी जी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, गांधी जी की 151वीं जयंती पर यह प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भारतीय राजदूत पार्थ सत्यार्थी और यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एमएन जारारोवा के द्वारा यह अनावरण किया गया है। दोस्तों बात आई है यूक्रेन की, तो आपको यूक्रेन के बारे में बता दें, इसकी जो राजधानी वह कीव है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वह हैं व्लादिमीर गोफ्सन और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह पेट्रो पोरोशेंको हैं। जो मुद्रा है उसकी भी बात की जाए तो यह रिवनिया है, जिसे UAH भी कहा जाता है। तो ये एक आपको याद रखना है यूक्रेन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल सागर युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हाल ही में हुआ है? तो यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच बंगाल सागर युद्ध अभ्यास हाल ही में किया गया है। दोस्तों इसका यह दूसरा संस्करण था, यानी पहला संस्करण 2019 में किया गया है और यह सेकंड संस्करण था। आपको बता दें यह नौसेना युद्ध अभ्यास है और भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति युद्ध अभ्यास भी किया जाता है। तो ये एक इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। बताइए बांग्लादेश की तो मैप में इसके बारे में आपको बता, मैप में आप देख पा रहे होंगे ये है बांग्लादेश वर्ल्ड मैप में। राजधानी है ढाका, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह अब्दुल हामिद हैं, प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और स्वतंत्रता 22 मार्च 1971 को मिली थी, यानी पाकिस्तान से इसे स्वतंत्रता 22 मार्च 1971 को मिली थी। तो ये एक इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने यूएस से सुपर हरक्यूलिस विमान के पुर्जे खरीदने कितने का रक्षा सौदा किया है? तो दोस्तों ये है $90 मिलियन। $90 मिलियन का भारत और यूएस के बीच सुपर हरक्यूलिस विमान के पुर्जे खरीदने का रक्षा सौदा हुआ है। दोस्तों इस सुपर हरक्यूलिस विमान का पूरा नाम आपको बता दें तो C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान है। यह एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसे हमने यूएस के द्वारा खरीदा है। दोस्तों यूएस के द्वारा हमने और भी विमान खरीदे हैं, जिसमें अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर है, इसके अलावा M777 हैपेचर गन, बोइंग C-17, ये भी हमने यूएसए के द्वारा खरीदे हैं। तो दोस्तों इसके अलावा ये एक और हमने समझौता किया है जो हाल ही में किया गया है, ये है $90 मिलियन का सुपर हरक्यूलिस विमान का। बात आई है यूएस की तो आपको इसके बारे में बता दें, दोस्तों यूएस को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट कहा जाता है। मैप में आप देख पा रहे होंगे ये है यूएस। यहाँ की जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ की मुद्रा है यूएस डॉलर। दोस्तों यहाँ के जो डेजर्ट या रेगिस्तान है उनके बारे में बात करें तो ग्रेट वेसन डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट और मोजाब डेजर्ट यहाँ के प्रसिद्ध डेजर्ट हैं। वहीं सुपीरियर झील, हुरन झील, मिशिगन झील, ग्रेट सॉल्ट लेक यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। दोस्तों इनसे एक नए क्वेश्चन बनता है तो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री कौन बनी है? तो ये है सोफिया वेरगारा। सोफिया वेरगारा फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री बनी है वर्ल्ड में। दोस्तों इनकी कुल कमाई 315 करोड़ रुपए है। वहीं बात की जाए एंजेलिना जॉली जो दूसरे स्थान पर है, इनकी जो कुल कमाई है साल की वह 260 करोड़ रुपए रखी गई है। इसके अलावा एक और इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, इस लिस्ट में कोई भी भारतीय अभिनेत्री शामिल नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में आई देश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो ये है काकभुसुंडी झील। काकभुसुंडी झील जो देश की सबसे ऊंचाई पर स्थित है यह हाल ही में चर्चा में आई है। दोस्तों आपको बता दें यह 4500 मीटर ऊंची है और उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपको काकभुसुंडी झील के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, यानी वेनिस वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेटेड। तो 4 अक्टूबर इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसकी शुरुआत 1929 में की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों एक और इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें, प्रत्येक 5 अक्टूबर की जगह सितंबर यानी 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वहीं ठीक एक महीने बाद 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस बार इसकी जो थीम थी वह टीचर लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर, ये विश्व शिक्षक दिवस की थीम रखी गई है 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस 2020 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा राइस 2020 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। दोस्तों इसकी थीम रखी गई है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट। आपको बता दें यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, यानी राइस जो है, ये जो राइस 2020 शिखर सम्मेलन है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। और आपको एक और इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखना है, हमारे देश की जो IT राजधानी कही जाती है वह बेंगलुरु को बताया जाता है, तो यह भी एक इंपोर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ये सभी यानी ऑल ऑफ दीस को नोबेल में चिकित्सा अवार्ड दिया गया है। इनके नाम आपको याद रखने हैं, ये हैं हार्वे जी अल्टर, ये अमेरिका के रहने वाले हैं, चार्ल्स एम राइस, ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं, और माइकल हाफ्टन, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। इन तीनों को 2020 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इन्हें इस सम्मान के लिए कैसे, क्यों इनको यह सम्मान दिया गया है? तो इन्होंने हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज की है, जिस कारण इन्हें चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरसोनिक स्मार्ट मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया गया है, यह कहां से किया गया है? तो वीलर द्वीप जो उड़ीसा में है यहां से सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट का हाल ही में परीक्षण किया गया है। दोस्तों अब वो जमाना गया जब आपसे पूछा जाता था कि किस राज्य से इसका परीक्षण किया गया है, अब आपसे पूछा जा सकता है किस द्वीप से, तो वीलर द्वीप से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। दोस्तों स्मार्ट का फुल नाम आपको याद रखना है, जो स्मार्ट मिसाइल है इसका पूरा नाम असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो है, यह पनडुब्बी से छोड़े जाने वाली एक मिसाइल है, तो ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलील खुरसानी मिर्ची का हाल ही में GI टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये है सिक्किम राज्य से संबंधित, सिक्किम राज्य की दलील खुरसानी मिर्ची को हाल ही में GI टैग दिया गया है। दोस्तों ये भारत की सबसे तीखी मिर्ची कही जाती है। बात आई है सिक्किम की तो आपको मैप में सिक्किम के बारे में बता, दोस्तों मैप में आप देख पा रहे होंगे ये सिक्किम को दर्शाता है, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये सिक्किम का क्षेत्र है, यहाँ की जो राजधानी वह गंगटोक है, यह भारत में इसका प्रवेश 16 मई 1975 में हुआ था, जो राज्यपाल है वह गंगा प्रसाद है सिक्किम के, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, राज्यसभा की एक और लोकसभा की एक सीट है सिक्किम में, वहीं जो राजकीय स्तनपाई या मैमल है वह रेड पांडा है, यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वह रक्त तीतर है, तो आपको इतना सिक्किम के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें विश्व ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों यह है रूस, रूस में 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। दोस्तों आपको बता दें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रूस में इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों जो ब्रिक्स है उसके जितने भी जो भी सम्मेलन हुए हैं 2020 में वह सारे रूस में कराए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट फैक्ट है। बात आई है ब्रिक्स की, तो आपको दोस्तों ब्रिक्स के बारे में बता दें, तो ब्रिक्स जो फॉर्मेशन है 2009 में किया गया था, इसमें कुल 5 मेंबर देश हैं, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हैं। दोस्तों साउथ अफ्रीका को 2010 में ऐड किया गया था। वहीं इनका जो बैंक है वो भी आपको याद रखना है, ब्रिक्स का बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ये एक इंपोर्टेंट फैक्ट है ब्रिक्स के बारे में। बताइए रूस की, तो आपको रूस के बारे में बता, दोस्तों मैप में आप देख पा रहे होंगे ये है रूस, रूस एकमात्र देश है जो 2 कॉन्टिनेंट एशिया और यूरोप में फैला हुआ है। इसके अलावा जो यहाँ की राजधानी वह मॉस्को है, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वह मिखाइल मुसेस्टिन हैं, और यहाँ की जो मुद्रा है वह रूसी रूबल है, तो आपको इतना रूस के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये हैं तीनों, रोजर पेनरिज को, रेन हार्ट गेजिल को, और एंडिया गेज, इन तीनों को फिजिक्स में नोबेल अवार्ड दिया गया है। दोस्तों बात करें अगर रोजर पेनरिज की, तो ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं, रेन हार्ट गेजिल ये जर्मनी के रहने वाले हैं, और एंडिया गेज ये अमेरिका के रहने वाले हैं। दोस्तों इन्होंने ब्लैक होल रहस्य को समझाया है, जिस कारण इन्हें फिजिक्स का नोबेल अवार्ड दिया गया है। दोस्तों इन लोगों ने दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन का उपयोग किया है ब्लैक होल के रहस्य को जानने के लिए, तो आपको इतना याद रखना है, फिजिक्स में रोजर पेनरिज, रेनहार्ड गेजिल और एंडिया गेज को नोबेल अवार्ड दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन कैसे चुना गया है? दोस्तों ये है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार को हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन चुना गया है। दोस्तों इससे पहले जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे वह रजनीश कुमार थे। दोस्तों दिनेश कुमार का जो कार्यकाल होगा वह कुल 3 साल का होगा। चलिए बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो आप बता दें इसका जो स्थापना है वह 1 जुलाई 1955 में किया गया था। इसका जो पूर्व नाम था वह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। हेडक्वार्टर मुंबई में है और जो चेयरमैन बनाए गए हैं वह दिनेश कुमार ही है। तो आपको इतना स्टेट बैंक के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की इंडिया रिच लिस्ट 2020 में किसे पहला स्थान दिया गया है? तो ये है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को फोर्ब्स की इंडिया रिच लिस्ट 2020 में पहला स्थान दिया गया है। दोस्तों ये लगातार 13वें साल पहले स्थान पर है। इनकी कुल नेटवर्थ अगर आकी जाए तो वह 88.7 बिलियन डॉलर नेटवर्थ बताई गई है फोर्ब्स के द्वारा। वहीं बात की जाए दूसरे स्थान पर कौन है, तो गौतम अडानी दूसरे स्थान पर हैं और इनकी जो कुल संपत्ति आंकी गई है वह 25.2 बिलियन डॉलर है। और शिव नडर तीसरे स्थान पर हैं। इनकी जो कुल संपत्ति है वह 20.4 बिलियन डॉलर है। दोस्तों इसमें इस लिस्ट में एक और नाम आया है साइरस पूनावाला का, तो आपको इनके बारे में बता दें ये सीरम इंस्टीट्यूट के हेड हैं और नेट वेल्थ में इन्हें पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LGBTQ कम्युनिटी को अलग से सेल शुरू करने वाला राजनीतिक दल कौन सा बना है? तो दोस्तों ये है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। दोस्तों ये राहुल गांधी वाली नहीं है, ये शरद पवार वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह घड़ी है और इसकी स्थापना 24 मई 1999 में की गई थी। दोस्तों इसे राकंपा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हाल ही में इन्होंने LGBTQ कम्युनिटी यानी जो ट्रांसजेंडर होते हैं या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती है उनके लिए अलग से सेल शुरू किया है और यह देश का पहला दल बन गया है जिसने यह सेल शुरू किया गया है। दोस्तों इसका जो अध्यक्ष यानी इस सेल का जो अध्यक्ष चुना गया है वह एक ट्रांसजेंडर है जिनका नाम है प्रिया पाटिल। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो दोस्तों हाल ही में वायुसेना की 88वीं वर्षगांठ मनाई गई है। दोस्तों जश्न मनाने के लिए गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस चुना गया है। आपको बताएं राफेल, रुद्र, अपाचे, गजराज, सुपर हर्क्यूलिस, M7, तेजस जैसे विमान भारतीय वायुसेना में शामिल है। बात करते हैं भारतीय वायुसेना की, तो आपको बता दें इंडियन एयरफोर्स के नाम से इसे जाना जाता है। इसका जो मोटो होता है वह नव स्पर्श दीप्तम होता है। इसको जो फाउंडेड या फिर इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी और आज 2020 में इसकी 88वीं जयंती मनाई गई है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और जो चीफ है यानी वायुसेना के जो चीफ हैं वह राकेश कुमार भदौरिया है। तो आपको इतना वायुसेना के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केमिस्ट्री में नोबेल अवार्ड दिया गया है? तो ए और बी इसका सही ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन 3 इसका सही ऑप्शन होगा। एमैनुअल सारपेटियार को हाल ही में केमिस्ट्री में नोबेल दिया गया है और इसके अलावा जेनिफर डार्डोना को भी केमिस्ट्री में नोबेल दिया गया है। दोस्तों ये फ्रांस के रहने वाले हैं एमैनुअल और जेनिफर जो है यह यूएसए की रहने वाली है। इन्होंने जीनोम एडिटिंग की कैंची की खोज की है जिसका नाम क्रिस्पर कैस 9 रखा गया है। दोस्तों केमिस्ट्री में इन्हें नोबेल इसी के कारण दिया गया है। इसके अलावा इसके द्वारा जो यह कैंची डेवलप की गई है इसके द्वारा जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों के डीएनए में भी बदलाव किया जा सकेगा जिस कारण इन्हें केमिस्ट्री में नोबेल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत WHO के द्वारा 2019 से की गई थी, यानी यह दूसरा कपास दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर किसे चुना गया है? तो ये हैं एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव को भारतीय बैंक का नया डिप्टी गवर्नर चुना गया है। दोस्तों आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक में कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक मुख्य गवर्नर होता है। तो दोस्तों जो 4 गवर्नर है उनमें से हाल ही में एक जो नए बने हैं डिप्टी गवर्नर उनका नाम है एम राजेश्वर राव। इसके अलावा MD पात्रा, BP कानूनगो और MK जैन ये चारों RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें RBI के जो NS स्वामीनाथन थे उनकी जगह एम राजेश्वर राव को चुना गया है। बात आई है RBI की, तो आपको मैंने हाल ही में RBI के बारे में बताया ही था।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की 1 से 10 अक्टूबर 2020 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर से आपको बता दें ये मेरी आईडी है, इस पर आप मेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी होती है और अगर नॉलेजेबल चीज़ों के लिए जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिस पर मैं रोज आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट देता रहता हूँ, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो दोस्तों आज जुड़े हमारे चैनल से, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।